एक बार सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी सभी सेशन में जुड़ जाइए। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे आप अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर कर दीजिए कि वो जल्दी से लाइव हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है क्रैक एसएससी एग्जाम विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म नॉलेज 365। अगर आप जीएस का प्रिपरेशन करते हैं तो ये अल्टीमेट सोर्स है जहाँ पे आप जीएस के लिए रिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, कंप्लीट पैकेज मिल जाता है आपको जीएस के लिए। चाहे आप एचएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं तो जीएस के लिए आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे हर वो चीज़ जो एग्ज़ाम से कंसर्न रखता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट वाइज हुआ, प्लस इसमें जितना हो सके आज के डेट का जो अगर पैटर्न देखे तो वहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स का ज़्यादा रोल प्ले होगा। अब यहाँ पे डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, तो ये सारी चीज़ पढ़ लेते हैं। अब ऐसे समझिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो पढ़ ही रहे, और मैंने आपको क्या बोला कि सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको करंट अफेयर स्टैटिस्टिक्स पे। तो वन स्टॉप सोर्स फॉर लेटेस्ट करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। किस किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे? एसएससी, बैंक, डिफेंस और रेलवे का। माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 ईयर्स एंड मेंटर मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। जब आप सब्सक्रिप्शन मिलते हैं क्या आपको मिलता है इसमें? एक तो सारा सब्जेक्ट मिल रहा है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, इसके अलावा जीएस के अलावा सारे सब्जेक्ट तो मिल ही गए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। डाउट सेशन भी, अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके लिए पर्टिकुलर सेशन बनाए जाते हैं कि आप वो पूछिए, ठीक है। हर सेशन के बाद भी आपको टीचर टाइम देता है कि आप पूछ सकते हैं अपने क्वेरी। देन स्ट्रक्चर को, जो भी सिलेबस है वो तो पढ़ते हैं, सिलेबस के साथ जब भी सेशन लेते हैं टीचर तो सेशन के साथ साथ आपको हर टीचर MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब भी देते हैं कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और जो रिसेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं उस तरह से MCQ बनाए जाते हैं। लाइव टेस्ट और क्विजेज रेगुलर बेसिस जितना हो सके वो देते रहे, तो लाइव टेस्ट और क्विजेज हो गया। प्लस इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइव टेस्ट और क्विजेज के अलावा, वो है सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। तो जब ये सब आप रेगुलर बेसिस पे देते हैं तभी एक्चुअली पता चलता है कि जो सेशन आप कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसका क्या आउटपुट आपको मिल रहा है, कहाँ पे अभी भी आप पीछे चल रहे हैं सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज, या कौन सा टॉपिक है जिससे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब चीज़ सारे वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। तो रेगुलर बेसिस पे लाइव टेस्ट और क्विजेज जरूर दिया कीजिए। अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, किसी भी क्लास, किसी भी सेशन को आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर पाते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखा करिए, जब भी आप कोई क्लास लेते हैं इन सब चीज़ों को कंसिडर कीजिए। आप किसी भी टूल के थ्रू, चाहे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, टैब पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, या लैपटॉप यूज करें कुछ भी, तो आप प्रीवियस सेशन को भी देख सकते हैं, आप अपने चॉइस के फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, उनके सभी सेशन को देख सकते हैं, और वो भी अनलिमिटेड टाइम। तो ये सब सारे एडवांटेज यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। कैसे रजिस्टर करना है? बड़ा आसान सा तरीका है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे फिर आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने का मतलब आप जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, UPSC हो, CS हो, ITG हो, ठीक है, गेट हो, तो जो भी XYZ किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, कोई बच्चा सिर्फ CTET का कर रहा है, कोई नेट का कर रहा है, ठीक है, तो जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, उस एग्ज़ाम का गोल सेलेक्ट करके फिर आपको सब्सक्रिप्शन पे जाना है। सब्सक्रिप्शन पे जैसे जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट मंथ के ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे डिफरेंट मंथ के ऑप्शन आपको दिखेंगे वहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो 12 से 24 मंथ, जो मैं कहता हूँ यहाँ पे आपको सबसे ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा, और एग्ज़ाम इतना आसान भी नहीं कि 2 या 3 महीने में आपको निकल जाता है, तो आपको साल से 2 साल का आपके पास कम से कम मटेरियल होना चाहिए, अपडेटेड मटेरियल होने चाहिए, मॉक टेस्ट होने चाहिए, सारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज होते हैं तो वो सारे आपको एक्सपर्ट टीचर जो भी है वो आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके पास ये जो सबसे प्रोडक्टिव होगा वो 12 से 24 मंथ है। क्यों? क्योंकि दूसरा लॉजिक ये हो जाता है कि आप साल भर में बहुत सारे एग्ज़ाम को आप फेस कर रहे होते हैं, तो आपके पास वो पैकेज होना चाहिए जो आपके डिमांड को फुलफिल करे, एग्ज़ाम के नीड को समझे। ठीक है, फ़ायदा इसमें और क्या क्या है, जितने टॉप एजुकेटर्स है इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपने SSC लिया तो SSC के जितने भी फैकल्टी हैं उन सभी के क्लास कर सकते हैं,
सब्जेक्ट मिल गया, मैथ रीजनिंग इंग्लिश दिए सेम प्राइस पर, ठीक है। अब फायदा क्या है कि आप उसमें भी अपना अगर चाहते हैं कि चॉइस फैकल्टी से पढ़े तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। वो टीचर आपको पीडीएफ कंटेंट दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं आपको, सेशन बेस्ड एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्विजेज, ये सारे चीज़ हो जा रहे हैं, और एडिशनल मॉक टेस्ट, ये सारा चीज़ आपको मिल जा रहा है सेम प्राइस पे। अब मान के चलिए 12 मंथ का कोर्स का फी है 6,000, और ये कोड आपने यूज़ किया आपको 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल गया, तो ये भी आपको फर्दर बेनिफिट मिल गया। क्रेडिट पॉइंट है, अगर आपने क्लास पहले से ले रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो आपके पास क्रेडिट पॉइंट ऐड होते रहते हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन 24 मंथ है, 7,200 का कोर्स, उसमें भी ये कोड यूज़ किया आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल करके कितना आ गया, 6,480। तो आप जब भी ये कोड यूज करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, बैंक, SSC, UPSC, किसी भी, तो आपको मिल जाएगा। पिंकी जी गुड आफ्टरनून, जन्नाथ जी गुड आफ्टरनून, अर्चना गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने वक्त में इस कोड का यूज कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाइए। पहला बनाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोरंदम एंड सायोलाइट आर इम्पोर्टेंट। ये दोनों जो हैं इम्पोर्टेंट, वो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैं, सिल्वर के, आयरन के, एल्युमिनियम के और टीन के। बताइए क्वेश्चन और फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम और टीन। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा एल्युमिनियम, दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए। गैलेनाइट इज एन ओर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स, लीड, टीन, मर्करी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गैलेना इज एन ओर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स, पहला है लीड, सेकेंड है टीन, थर्ड है मर्करी एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा लीड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाइए, जगन्नाथ जी का सेकंड का थ्री है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाइए, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर टू अ हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्वेश्चन हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर टू अ हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा, रोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बनाइएगा, जन्ना जी, पिंकी जी बताइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्रोमाइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्रोमाइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताइए।
शर्मा जी का आंसर आ रहा है ए, क्रोमियम, बिल्कुल सही है। फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, क्वेश्चन नंबर फाइव। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर बताइए। खन्ना जी का फोर का फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। फाइव का आंसर बताइए जरा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट द आउटर मोस्ट सेल कैन हैव, क्वेश्चन नंबर सेवन। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, अगर नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट द आउटर मोस्ट सेल कैन हैव, क्वेश्चन नंबर सिक्स। कहाँ पे हैं आप अभी? क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बताइए जगन्नाथ जी। सिक्स का आंसर बताइए बच्चों। फाइव का फर्स्ट हो गया, सिक्स का आंसर बताइए। तीसरा हो गया एट। क्वेश्चन नंबर सेवन, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट अ डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर सेवन। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स बट अ डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर बताइए। जो भी बच्चे सेशन देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर बताइए। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट अ डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। नाथ जी का डेट आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर बताइए। सिक्स का तो सी, ठीक है जगन्नाथ जी। क्वेश्चन नंबर सेवन बनाइए अब आप। सेवन का आइसोटोप सार आपका बिल्कुल सही। मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर बताइए। एट्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सेवेंथ का हो गया। आप क्वेश्चन नंबर एट्थ का आंसर बताइए बच्चों,
हो जाएगा, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 9, आठ का डी है, बिल्कुल सही है जगन्नाथ जी। क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए आप, व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ से बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। 10th, विच यूनिट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर एटॉमिक रेडियस। विच यूनिट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर एटॉमिक रेडियस। क्वेश्चन नंबर 10th गन्ना जी का 18 साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताइए। जो भी बच्चे अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए वो एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताइए, विच यूनिट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर एटॉमिक रेडियस। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, विच यूनिट इज मोस्ट कॉमनली यूज एटॉमिक रेडियस। 10th का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। Then 11th, hydrometer is used for the measurement of, कौन सा क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं आप, 9th का, 10th का, किसका, या 11th का बता रहे हैं। जन्नत जी एक किसका आंसर दिए आप, 10th का, 11th का, 9th का। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। 10th का सी है, बिल्कुल सही है 10th का। 11th का बताइए मुझे, अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। एलेवेंथ आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डैश। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 12, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। पिट्टू जी का आंसर 11th का ए है, ठीक है। जन्नाथ जी का भी 11 का ही है। 12 का आंसर बताइए, निम्मी के 2 का आंसर आ रहा है 12 का, फर्स्ट, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, बोलोमीटर इज यूज टू मेजर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, बोलोमीटर इज यूज टू मेजर। क्वेश्चन नंबर 13, जन्नाथ जी, किट्टू जी, जो भी बच्चे बताइए क्वेश्चन नंबर, और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, 11 का आंसर दे दिया था, ये देखिए फर्स्ट, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता दीजिए आप, बोलोमीटर इज यूज टू मेजर डैश एयर प्रेशर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हाइट ऑफ क्लाउड बेस। फोर्थ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। क्वेश्चन नंबर 13, जन्नाथ जी का 12 का ये है, ठीक है। 13 का बताइए आप, किट्टू जी, जन्नाथ जी, क्वेश्चन नंबर 13
अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए एक बार। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? आंसर लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, बैरोमीटर एयर प्रेशर, किलोमीटर यूज टू मेजर हाइट ऑफ क्लाउड बेस, यूज टू मेजर द एरोसोल कंसंट्रेशन विद इन एटमोस्फेयर, डेंसीमीटर क्या यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज एनीमोमीटर? क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए, झरना जी का 13 का सी है। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए, हाँ इसका मतलब नेट का इशू होगा, इसलिए आने जाने में लगभग 30-35 सेकंड का डिफरेंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, किट्टू जी का आ रहा है सी। ठीक है, बिल्कुल सही है, लाइट इज अ डैश वेव, लॉन्गिट्यूडिनल, इलास्टिक, ट्रांसवर्स और मैकेनिकल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए, 15 का आंसर बताइए किट्टू जी। किट्टू जी का 15 का आंसर हो गया सी, ट्रांसवर्स। जगन्नाथ जी की तरफ नेट का इशू थोड़ा है, इसलिए आंसर उनका स्लो आ रहा है। 16 बनाइए, वाई इज द फ्लैश ऑफ लाइटिंग सीन अर्लियर देन द साउंड ऑफ थंडर? वाईफाई लगवाएंगे तो फिर काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 16 का आंसर आ रहा है किट्टू जी का सी, बिल्कुल सही, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। व्हाई डज अ वाटर टैंक फिल्ड विद वाटर अपीयर शैलोअर व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ रहा है, जगन्नाथ जी का 14 पे है, तो जी का तो नेट सही है। 18वां, व्हील्स एंड एक्सेल्स आर फॉर रेलवे आर प्रोड्यूस, व्हील्स एंड एक्सेल्स फॉर रेलवे आर प्रोड्यूस एट बेंगलुरु, एट चेन्नई, एट वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 18, जगन्नाथ जी का 15 का आंसर आ रहा है ए, ठीक है, 18 का आ रहा है बी, नहीं आंसर होगा बेंगलुरु। वे डू बिरहोर स्लीप? छत्तीसगढ़, आसाम, नागालैंड, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 19, 19 का आंसर क्या होगा? बिहोर स्लीव इन छत्तीसगढ़, आसाम, नागालैंड और तमिलनाडु। सही जगन्नाथ जी, किट्टू जी। वे डू बिरहोर स्लीप? ए छत्तीसगढ़, बी आसाम, सी नागालैंड, डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, ये तो आसानी है, हर कुछ याद रखना कि ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि जराबा कहाँ रहता है, इसे मालूम होना चाहिए। जन्ना जी का 19 आंसर है, सी आंसर होगा ए छत्तीसगढ़। मुदुमलई सेंचुरी फॉर एलिफेंट्स एंड डियर इज सिचुएटेड इन आसाम, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका।
आंसर बताइए। पिट्टू जी का आंसर आ रहा है तमिलनाडु, यहीं पे कुर्थी। ठीक है, रा इसी को नाम है अन्नामलाई। ठीक है, यहीं पे आपको उदुपुर, रेवेटन गुड्डी, सब यहीं पे। रानथंगल, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। काड़ी किल्ली, कराई बेट्टी, ठीक है, कालाकड़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन देख के ही बता देंगे आप। शुगर बॉल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया? बी कानपुर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट खारिफ क्रॉप? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, विच का बताइए। पिट्टू जी का 22 का आ रहा है डी। ओके, तो सही है। विच इज इंडिया लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट? भाखड़ा, दामोदर, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज इंडिया लार्जेस्ट वैली प्रोजेक्ट? इसका आंसर बताइए। इसका बी, नो इट इज भाखड़ा नंबर। इस पे है सतलुज रिवर इन बिलासपुर। क्या, विच रीजन इन इंडिया इज नोन एज राइस बॉल ऑफ इंडिया? इंडो गैंगेटिक प्लेन, कृष्णा गोदावरी, डेल्टा रीजन, केरला एंड। फोर्थ का आंसर बताइए। 24 का, पिट्टू जी का 24 का बी है, बिल्कुल सही, कृष्णा गोदावरी। 25, इन इंडिया डायमंड्स आर फाउंड एट? ठीक है, नंबर 25, जनाथ जी का 23 का। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया डायमंड्स आर फाउंड एट पन्ना, मध्य प्रदेश। ठीक है, विच सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैपिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 26 का आंसर बताइए। आंसर होगा जियोलॉजिकल सर्वे। हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी याद रखिए। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी एग्जीक्यूटिव रंजीत दत्त, सी एम डी। ठीक है, एडिशनल चार्ज फाउंडर कौन थे? थॉमस ऑल्टम फाउंडेड। 27, द इंडियन सिटी फेमस फॉर ग्लास बंगल इंडस्ट्री? ये तो और आसान क्वेश्चन। 27 का आंसर बताइए। द इंडियन सिटी फेमस फॉर ग्लास बंगल, लखनऊ, सिकंदराबाद, फिरोजाबाद और आगरा। को साइज कहाँ से बताइए। इंडियन सिटी क्लास बेंगल इंडस्ट्रीज। 27 कहाँ से बताइए।
फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट वाज सेट अप एट? क्वेश्चन नंबर 28, फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट वाज सेट अप एट? क्वेश्चन नंबर 28, किट्टू जी का 28 का बी सिंदरी, यहाँ पे बिहार में फर्स्ट एलुमिना प्लांट इन इंडिया इज। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। जा रहा है कोरबा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन्स एंड देयर हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन्स एंड देयर हेडक्वार्टर करेक्ट? ईस्ट गोरखपुर, साउथ सेंट्रल हैदराबाद, ईस्ट और वेस्ट मुंबई। क्वेश्चन नंबर 30, जगन्नाथ जी का 29 का ठीक है ए। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए, जी का 30 का जगन्नाथ जी आप बताइए। जो भी बच्चे अभी सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, साउथ सेंट्रल हैदराबाद। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स द बे ऑफ बंगाल आर यूजुअली कॉल्ड? साइक्लोन्स, हरिकेन, डिप्रेशन, टोर्नेडोस। 31 का आंसर करना जी का 30 का ये है ठीक है। 31 का आंसर बताइए। इकतीस का किट्टू जी कैसे गलत कर दी? 32 बनाइए। टैक्सेशन एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी आर डील्ट अंडर? टैक्सेशन एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी आर डील्ट अंडर। ये उससे भी आसान क्वेश्चन है 32। फिस्कल पॉलिसी, अ बजटरी डेफिसिट मीन्स? क्वेश्चन नंबर 33, अ बजटरी डेफिसिट मीन्स? 33 का आंसर बताइए। अ बजटरी डेफिसिट मीन्स 33। अ बजटरी डेफिसिट मीन्स 33 का आंसर बताइए। 33 जन्ना जगह 33 का बी आ रहा है, आंसर हो जाएगा ए। फिस्कल डेफिसिट इन द बजट मीन्स? क्वेश्चन नंबर 34, ये सब पीरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ग्रॉस नेशनल इनकम इज ऑलवेज मोर देन नेट नेशनल। क्वेश्चन नंबर 35, पैंतीस का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, किट्टू जी का 35 का ई आ रहा है।
सतीश, द फॉलोइंग इज नॉट शेयर्ड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स। सतीश आंसर बताइए। सभी बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बता रहे हैं। सो द फॉलोइंग अथॉरिटी सैंक्शन फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नंबर 37। ये तो आसान क्वेश्चन है 37। जगन्नाथ जी का 27 का बी है, आंसर हो जाएगा सी। गवर्नर डज नॉट अपॉइंट। 38 का आंसर बताइए। चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट और चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 38 और जजेज ऑफ हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। आंसर हो गया ये, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 39 जी बिल्कुल, यहीं पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है, इंटरनेशनल कोर्ट है, OPCW भी वहीं पे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेम्पल तीनों का और यहीं पे। प्रेसिडेंट रूल कैन इंपोज इन अ स्टेट ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी एक्सटर्नल इमरजेंसी व्हेन देयर इज अ फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट एट नो टाइम। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। बिल्कुल, राज्यसभा इज डिसॉल्व ड्यूरिंग एन एमरजेंसी एवरी 5 ईयर नेवर एट द डिस्क्रिशन। एंड क्वेश्चन नंबर 41, का आंसर बताइए। आंसर होगा नेवर। क्वेश्चन नंबर 42, विकेट्स इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंट ऑफ। 42 का आंसर बताइए। 42 का पिटू जी का विटामिन डी। 42 का आंसर बताइए। जगन्नाथ जी का 42 का डी है, ठीक। यूनियन टेरिटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन। 43 का आंसर बताइए। इन लोकसभा बट नॉट इन राज्यसभा। इन राज्यसभा बट नॉट इन लोकसभा। नाइदर इन लोकसभा नॉट इन राज्यसभा हाउसेस। ये तो और आसान क्वेश्चन है। इटू जी एक बार गौर से देखिए, बोथ द हाउसेस। President of India is elected by फोर्टी फोर का आंसर बताइए।
क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है किट्टू। जन्नाथ जी देखिए क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट इलेक्शन बाय एन इलेक्ट्रोड, कभी स्पीड के चक्कर में आंसर गलत हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डायरेक्टिव फेडरल पॉलिटी, अकीन टू द अमेरिकन मॉडल, नंबर 45। ये भी आंसर नहीं तो बना सकते, पैतालीस का नीमी अभी आ रहा है आंसर डी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज अ फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन, डोमिनियन ऑफ फ्री स्टेट। 46 का आंसर क्या होगा, 46 का आंसर बता दीजिए मुझे, यूनियन ऑफ स्टेट्स। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली इंडिया वॉज, 47। जगन्नाथ जी का भी 46 का, 47 का आंसर बताइए, फर्स्ट वुमेन टू बिकम द स्पीकर स्टेट असेंबली, विजयालक्ष्मी पंडित, सुचित देवी, राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 47, जगन्नाथ जी का प्रिय सुचेता कृपलानी। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ग्रास लैंड इज फाउंड, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑस्ट्रेलिया, चालीस का आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है सेंट्रल एशिया। कीवी आर सिंबल फॉर द यूनिक गैस वाइल्ड या रशिया, न्यूजीलैंड। अगर मैच वैच देखते तो ये ऐसे ही बता देंगे। जगन्नाथ जी का आंसर बिल्कुल सही, न्यूजीलैंड, कोई भी क्रिकेट फैन होगा वो। प्राइम मिनिस्टर कौन है जैसिंडा आर्डन, ये पहला कंट्री बना ना जो कोविड से फ्री हो गया कोरोना से, ठीक है। ब्राजील स्क्वायर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात। 50 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। जगन्नाथ जी का 50 का सी अभी टू। रेड लाइट इज यूज इन ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज, 51 का आंसर बताइए, जो भी सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार सेशन देंगे हो गया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के कारण, ठीक है।
पेंसिल लीड इज मेड अप ऑफ, नंबर 52। ये सब तो आसान क्वेश्चन है, ये सब तो मुझे लगता है देखने से ही सीधा आंसर बता। ग्रेफाइट दिया जाए। सोलर सेल कन्वर्ट्स, सोलर सेल कन्वर्ट, ये उससे भी आसान क्वेश्चन। 3 जी बिल्कुल सही। इमेज फॉर्म रेटिना ऑफ द आई इज 4, रियल एंड इन्वर्टेड अपराइट एंड रियल वर्चुअल अपराइट एंड इनलार्ज एंड रियल, आंसर क्या हो जाएगा? रियल एंड। क्वेश्चन नंबर 55, द ब्लू कलर ऑफ द वाटर इन द सी इज ड्यू टू, 55 का आंसर बताइए। 55 का आंसर बताइए। जन्ना जी का 53 का ए है, 55 सही। रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई बाय द सी वाटर, क्वेश्चन नंबर 55। ब्लू कलर ऑफ द वाटर इन द सी इज ड्यू टू, नंबर 55 का आंसर बताइए। आंसर हो गया बी, रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई बाय द सी वाटर। 56, रेनबो इज ड्यू टू, 56 का आंसर बताइए। छप्पन का आंसर। बताइए बच्चों, हाँ जी का बी है जन, ठीक है जी आपका डी, ठीक है। द ऑयल इन द विक लैंप राइजेस अप ड्यू टू, 57। सेवन का आंसर बताइए। बाबूजी का कैपिलरी फुट इज कुक, एक बार गुल्लू जी सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अंठावन का बताइए। नेटवर्क इशू आ रहा है किटू जी, आंसर हो जाएगा बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, 59। अ ग्लास टम्बलर कंटेनिंग आइस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन आउट कॉज, नंबर 59। 59 का आंसर बताइए बच्चों। आंसर हो जाएगा बी, 60। अ थिक ग्लास टम्बलर क्रैक मोर इजली इन वन व्हेन हॉट वाटर इज पोर्ड इन टू इट, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए। ठीक
है, बिल्कुल सही है। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय, एक्सैक्ट का आंसर बताइए। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय फाइनेंस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और सेंट्रल स्टैटिस्ट। उल्लू जी एक्सेट का होगा डी, पीएसओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, पिट्टू जी का आंसर बस 62 का आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, पिट्टू जी का बी। ठीक है, इफ सेविंग एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम, सेविंग एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट द नेशनल इनकम विल, क्वेश्चन थ्री। If saving exceeds investment, the national income will, number 63. Answer ho gaya, remain constant. Question number 64. Liquidity trap is a situation in which जी का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए। नौसठ का आंसर क्या हो जाए? पंडित जी का आंसर 80, ठीक है। निपी जी का भी है, बिल्कुल सही है। व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? बिल्कुल सही। क्या सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी आर इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग ऑफ यूनियन बजट ऑफ इंडिया? प्लानिंग कमीशन, कैग, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर, फोर्थ वन। क्या सर कहाँ से होता है ये? आंसर हो जाएगा सी, सर एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, डेवलपमेंट इज, क्या हुआ गुल्लू जी, किट्टू जी क्यों हंस रहे हैं बताइए? डेवलपमेंट इज, सिक्सटी सेवन का आंसर बता दीजिए। पंडित जी का सही है, वाइड अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ। डिवैल्यूएशन मीन्स, अड़सठ इससे भी आसान क्वेश्चन है, 68।
पंडित जी का ससर का सी है, ठीक है, अरसर का बताइए। डिवेल्युएशन, स्टैगफ्लेशन, फिलिप्स कर्व, ये सब वर्ड मालूम होना चाहिए। इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, डिस इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, अरसर का आंसर बताइए। पंडित जी का अरसर का बी है, बिल्कुल सही है, रिसेशन। ठीक है, रिसेशन 69। रिडक्शन इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट डिमांड फॉर गुड्स, क्वेश्चन नंबर 69। उनहत्तर का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर। ठीक आंसर हो जाएगा सी, रिडक्शन इन प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट डिमांड फॉर गुड्स। डिफ्लेटर इज अ टेक्निक ऑफ, क्वेश्चन नंबर 70। सत्तर का आंसर बताइए। किट्टू जी, गोलू जी, पंडित जी, बताइए जल्दी जल्दी आंसर बताइए। जन्नाथ जी, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बता दीजिए। जिम्मी किट्टू का 70 का आंसर आ रहा है, ए आंसर होगा, एडजस्टिंग फॉर चेंज इन द प्राइस लेवल। कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड टू बी फ्लेक्सिबल इफ, 71 का आंसर बताइए। सत्तर का निम्मी जी का सी आ रहा है, आंसर होगा ए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिपेंड फॉर फंड्स मेनली ऑन, 72 का आंसर बताइए। जन्ना जी का 71 का ही है, बिल्कुल, 72 का आंसर बताइए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिपेंड फॉर फंड्स मेनली ऑन, 72। पंचायती आंसर हो जाएगा बी, गवर्नमेंट फाइनेंसेस। क्वेश्चन नंबर 73, एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनुमरेट्स, 73वां। क्वेश्चन नंबर 73 आंसर हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 74, द एक्सप्रेशन जस्टिस इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 74 का आंसर बताइए। सेवेंटी फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? जन्ना जी का सी आ रहा है, किट्टू जी का बी है, बिल्कुल सही है, किट्टू जी का। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज हेल्ड, 25। गौर से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा।
When bill passed by one house is rejected by when there is some disagreement over any provisions or amendment. Third, when a period of 6 months elapses from the date of bill passed by without it is other. And the D is under all three circumstances stated above. जगन्नाथ जी का 75 का डी है, बिल्कुल सही है. When sitting on both houses, parliament is summoned by president, vice president, or speaker or law minister. ये उससे भी आसान है. 75. क्वेश्चन नंबर 76. सुमित जी का डी है, 76 कहाँ से बताइए. जी नो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय. अब बताइए शब्द का खेल देखिएगा. ठीक है, क्वेश्चन का रूपांतरण देखिए कैसे हो रहा है. पिट्टू जी का स्पीकर बिल्कुल सही है. समझ में आ रहा है सबको क्या है क्वेश्चन क्या नहीं है. बैंक रेट इज द रेट एट विच अठहत्तर का आंसर क्या हो जाएगा. जन्ना जी का 70 का सही है. ठीक है, 78 का आंसर होता है. पिट्टू जी का बिल्कुल सही. बुलू बाबू आप क्यों नहीं दे रहे आंसर. रेपो रेट इज द रेट एट विच क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बताइए. पिट्टू जी क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा. आंसर हो गया. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर्स चेक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर्स चेक. 80 का आंसर बताइए. गन्ना जी का डी नो. डिमांड ड्राफ्ट को कहते हैं. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल आर यूजुअली कॉल्ड. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है किट्टू जी, एक बार तो सही कर दीजिएगा. गन्ना जी का 81 का बिल्कुल सही है. रूपर लेक इज प्रेजेंट इन विच स्टेट. 82 जी. डी डी मीन्स डिमांड ड्राफ्ट भी और डी डी मीन्स डिमांड डिपॉजिट भी. यहाँ पे था डिमांड ड्राफ्ट. अच्छा डी डी बोला था आपने. ओके ठीक है ठीक. क्वेश्चन 82 मैंने नहीं देखा होगा, ध्यान नहीं दिया. क्वेश्चन नंबर 82 बताइए. आंसर हो जाएगा पंजाब. ड्राइएस्ट पार्ट इन इंडिया इज इन. जैसलमेर, भटिंडा, दरभंगा, गोरखपुर. ये सब क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, रिवीजन करवा रहा हूँ, देख रहा हूँ अभी भी याद है कि उड़ गया. पिट्टू जी का आंसर आ रहा है ए जैसलमेर. जमशेदपुर सिटी इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस साइट ऑफ रिवर. 84 का आंसर बताइए.
इट विल बी आंसर स्वर्ण रेखा, ठीक है। द प्लेट्यू रिच इन मिनरल इज इंडिया इज 85 का आंसर बताइए। जी का 85 का बी है, बिल्कुल सही है, छोटा नागपुर प्लेट्यू 86। मरमगांव पोर्ट इज लिंक टू द इंटीरियर बाय मीन्स ऑफ चीप ट्रांसपोर्ट रिवर्स, क्वेश्चन नंबर 86। का आंसर तो बताइए। का आंसर बताइए जानना जी का। 86 का सी है आंसर, हो जाएगा ए, ठीक है। जुआरी एंड मंडो फाइनेस्ट नेचुरल हार्ब क्या इज, सत्ताईस का आंसर बताइए और 87 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा मुंबई। 88 द रिवर विच राइजेस इन द अमरपेट हिल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ बिहार एंड कॉल द रिवर ऑफ बोरो इज, अट्ठासी का आंसर बताइए। जन्ना जी बी, हम डैश इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरबियन सी, सोचिन मुंबई बेंगलोर और सूरत। पिट्टू का ये आ रहा है जानना जी वैसे कोचिन। ब्लू माउंटेन इज लोकेटेड इन, बिल्कुल गलती से मिजोरम दिया, ठीक है, कंफ्यूज जाना मत। फर्स्ट एलुमिना प्लांट इन इंडिया इज सिचुएटेड एट, नाइन्टी वन का आंसर बताइए। बिल्कुल कोरबा मध्य प्रदेश, 92 बाबा लाइन। नाइन्टी टू का आंसर बता दीजिए मुझे। तो जी का सी है, जगन्नाथ जी का भी सी है, बिल्कुल सही है। अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ स्केलेटल मसल्स, आंसर होगा बी। देखो गौर करो तो क्वेश्चन क्या लिखा है फिर आंसर का आता हुआ क्वेश्चन में गलती कर। वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टूथपेस्ट इज, 94 का आंसर।
क्लोराइड अयोडाइड क्लोराइड, तो जी का बी है, सही है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, निवास का प्रवास सब यहीं पे वाले सर। अब बता दो जी का हरियाणा, तो सही है। मैं यही वो इसी चैनल पे रात में 12 बजे भी लेता, ठीक है, सेशन को भी देखा करिए। विच ऑफ दीज इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज? 96, पिट्टू जी का चिनाब, बिल्कुल है जी का आंसर। रॉकेट की तरह नेट जबरदस्त चल रहा है आपका। वेर इज दैट क्वार्टर ऑफ पाव? बिल्कुल सही, रोम इटली। फौजागिरी जो फोक डांस परफॉर्म ऑफ 98, कहाँ से बताइए? 98 का बी, 98 को बताइए। बिल्कुल गौर से सोचिएगा फिर आंसर दीजिएगा। ये आ रहा है आप लोग को, फिर गलती कर रहे हैं। फौजागिरी, पंजाब, उड़ीसा, मणिपुर और त्रिपुरा। बिल्कुल त्रिपुरा। 99, पिट्टू जी धरपड़ी था क्या आंसर देने का? आता हुआ क्वेश्चन भी कैपिटल भी याद रखे मैं भी, तो क्या आठ करें क्या विन मीन प्रेसिडेंट हो गए। 100, एमएस स्टेडियम इज अ मल्टीपर्पज स्टेडियम लोकेटेड इन? बिल्कुल मैं आप लोग को बोल दूंगा कि दो सेशन जरूर देखा, इट्स क्रैक, बैंक एग्जाम मॉर्निंग में 9:30 पे होता है। ये अब दो टाइम है क्लास इस पे, ये यूट्यूब चैनल है, प्लस 4 PM का स्पेशल सेशन डेली बेसिस, 4 PM का, ठीक है। ये स्पेशल सेशन आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल, कोई चार्जेस वार्जेस कुछ नहीं है, ठीक है। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करिए, झरना जी का 100 का ए आंसर हो जाएगा डी, केरला, ठीक है, केरला। बस आज के लिए इतना ही था, दोनों सेशन जरूर देखिए, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम फोर करंट अफेयर जी पूरा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो, और सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। सब्सक्रिप्शन जब भी ले तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, 4 PM पे स्पेशल सेशन, जो प्रीवियस सेशन है वो सब भी किया कीजिए, जैसे मैंने हेडक्वार्टर करा दिया है, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो स्टैटिक के चैप्टर के, जैसे RBI मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट हो चुका है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक है, इन्फ्लेशन हो चुका है, तो ये सब टॉपिक जो प्रीवियस सेशन में हो रखे हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से जाके रिवाइज कर लिया कीजिए कि थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ जाए, ठीक है, सिंपल है। चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू। कोई क्वेरीज तो नहीं है किसी बच्चे को? चलिए ठीक।